बहुत ही क्रिटिकल एक एक्टिविटी है इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडस्ट्री में काम करने के लिए लिफ्टिंग वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप मटेरियल लाना, ले जाना, उठाना, पटकना, रखना, इधर उधर, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी लिफ्टिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप लोग भी काम करते हैं, तो भाई कोई भी मटेरियल आता है तो क्या है, उसको लिफ्ट करके हम उतारते हैं या फिर लिफ्ट करके उठाते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये एक्टिविटी है, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर को उठा के हमको नीचे अनलोड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हजार्ड क्या है, हजार्ड क्या है कि अगर ओवरहेड कोई लाइन गया है, सप्लाई गया है, इलेक्ट्रिकल लाइन गया है, तो उसमें क्या है, टच होने का खतरा, या फिर ये मतलब टूट के उसका जो मतलब लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो टूट के गिर जाना, ठीक है, ये हिल के किसी को हिट कर देना, ये क्या है, ये हजार्ड है, ठीक है। अब रिस्क हम क्या ले रहे हैं कि अब हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे ऊपर से ऐसे माल जा रहा है, तो क्या हम रिस्क ले रहे हैं ना, हम अपने जीवन से खेल रहे हैं। हो सकता है कि हमारे सामने ही आके उसका बेल्ट टूट जाए और हमारे ऊपर गिर जाए, तो हमको क्या है ना, कभी भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोग बैरियर की बात करें, तो बैरियर जो है ना, हमेशा याद रखिए कि किसी भी काम के लिए परमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैरियर वन है कि परमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिफ्टिंग टूल्स देखकर जितना उसका विजुअल इंस्पेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है ना, प्लानिंग, काम का प्लानिंग होना भी सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई हम किधर लाएंगे, किधर रखेंगे, किधर से उठाएंगे, तो हमारा काम सेफ होगा, ठीक है। उसके बाद बैरियर टू की बात करें, तो बैरियर टू में क्या है कि सुपरविजन भी आपका बराबर होना चाहिए। एक ही आदमी अगर ट्रेन को सिग्नल चार आदमी देगा तो भी खतरा होने के चांसेस है, तो इसलिए क्या है कि सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि बैरियर टू में देखें, ये दो आदमी रस्सी बांध के खींच रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका शेकिंग कंट्रोल करने के लिए आपको रस्सी बांधना है हमेशा, ऐसा नहीं कि आप जाके हाथ से पकड़े हैं, फिर वही खतरा है कि अगर वो टूटेगा आपके पैर पे गिरेगा, आपका पैर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। बैरियर थ्री की बात करें कि जिस एरिया में आपको लिफ्टिंग का काम करना है उस एरिया को प्रॉपर बैरिकेड करके रखिए, ठीक है ना, कि दूसरा अनऑथोराइज पर्सन उस एरिया में ना आ सके, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आदमी सिग्नल दे रहा है, मतलब सिग्नल मैन एक ही होना चाहिए, सिग्नल देते वक्त में कोई दूसरा आदमी सिग्नल नहीं देगा एक आदमी को छोड़ के। तो ये हमारा तीन बैरियर हो गया। अगर हम ये बैरियर को तोड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए ये क्रेन जो है ये पलट के नीचे गड्ढे में चली गई है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम बैरियर तोड़ते हैं तो ये गिरेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामान का नुकसान होगा, ठीक है, आपका जान भी जा सकता है अगर आपके ऊपर में गिर जाए तो, ठीक है। तो ये टॉप इवेंट को रोकने के लिए ये बैरियर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। इसके बाद क्या है कि रिकवरी वन में अगर मान लीजिए कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, रिकवरी वन में बंदे को उठाएंगे, ले जाके उसको फर्स्ट एड रूम में लेके जाएंगे तुरंत, ठीक है, फर्स्ट एड देंगे। अगर फर्स्ट एड देंगे वो फर्स्ट एड से सही हो जाता है, ठीक है, अगर जरूरत पड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो सबको पता है कि हमारा हॉस्पिटल टाइप किधर है, ठीक है, तो हम अपने टाइप हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाएंगे और उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद रिकवरी टू का बात करें हम लोग, तो क्या है कि साइरन ब्लो होता है, ठीक है, साइरन ब्लो होगा, ये साइरन है, तो साइरन ब्लो होने के बाद उसके बाद असेंबली पॉइंट में सबको बिना किसी सवाल जवाब के आपको असेंबली पॉइंट में पहुंच जाना है, ठीक है ना। तो असेंबली पॉइंट में जब पहुंचेंगे, साइरन बजने के बाद असेंबली पॉइंट में आप पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा, रिकवरी थ्री की बात करें तो रिकवरी थ्री में हम कम्युनिकेशन करेंगे, बताएंगे कि भाई कैसे हुआ था, क्या हुआ था, दोबारा किसी के साथ में ऐसा ना हो इसके लिए, ठीक है ना, प्लान करेंगे। अगर ये सारी चीजें जब फेल करता है ना तो क्या होता है, ठीक है ना। हायरार्की एक नियम भी है, ठीक है, हायरार्की नियम है, हायरार्की नियम में बताया गया है कि अगर 3000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो 300 जो है ना नियर मिस होता है, 300 नियर मिस को भी हम मतलब नियर मिस क्या है समझते हैं ना, नियर मिस मतलब कि कोई दुर्घटना होते होते बच जाना, जैसे कि कोई ईटा गिरा जस्ट मेरे सामने पैर के पास में गिरा, ठीक है, वो क्या है नियर मिस, मतलब घटना होते होते बच गया, वो नियर मिस है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हम 300 नियर मिस को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो 30 जो है ना इंसिडेंट होता है, मतलब कि छोटा मोटा चोट खरोच, ठीक है, चोट लगना छोटा मोटा, वो 30 होता है, ठीक है, वो 30 को भी हम अगर इग्नोर करते हैं, बाईपास करते हैं, तो एक फैटलिटी होती है, मतलब कि एक डेथ तय है, ठीक है ना।
इतना चीज हम लोग फेल करने के बाद में एक डेथ होता है, तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को ये बैरियर को कभी तोड़ना ही नहीं है कि हमको यहाँ तक पहुँचना पड़े। यहाँ तक किसी का मन है पहुँचने का? कोई नहीं चाहता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो कि हमारे वजह से दूसरा भी उस मुकाम तक ना पहुँचे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ये बैरियर को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। तो ये बैरियर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।